नमस्कार अभिनंदन। क्रेडिट स्विस बैंक स्विट्जरलैंड का एक बहुत ही फेमस बैंक इस वक्त एक क्राइसिस के फेज में चल रहा है, एंड द गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड, वहां की जो सेंट्रल बैंक है, उसने उसको सपोर्ट करने की बात कही। खैर, ये मामला इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम एक बहुत ही चैलेंजिंग फेज से गुजर रही है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम इज दैट आफ्टर सीरीज ऑफ वन बैंक देन अनदर देन थर्ड, एंड दैट कंटेजियन इज स्प्रेडिंग। तो समझते हैं ये मुद्दा क्या है, एंड हाउ विल इट इम्पैक्ट इंडियाज बैंकिंग सिस्टम इज व्हाट द फोकस इज। क्रेडिट स्विस बैंक एक बहुत ही फेमस बैंक है, बट उससे पहले हम लोग समझते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है हम लोग के इंस्टीट्यूट का, इसको ज्वाइन करिए। तो क्रेडिट स्विस एक मल्टीनेशनल बैंक है विच इज बेस्ड ऑन स्विट्जरलैंड, और वन ऑफ द वर्ल्ड वाइड 9 बल्ज ब्रैकेट बैंक में से को माना जाता है, एंड इट्स हेडक्वार्टर्स इन ज्यूरिक। And it provides services in the areas of investment, private banking, asset management, and shared services. बहुत ही strong bank portfolio है, और इसको ये भी माना जाता है, this bank have high secrecy and client confidentiality. So if you go in the history of the bank, bank का एक बहुत strong legacy है, बहुत strong history है, and it is also one of the important bank जहाँ पे इसको financial stability board ने इसको कहा है कि it is a systematically important bank. So we need to understand the challenges of the bank that is currently is being faced. एक और मुद्दा बड़ा समझने वाला है कि इस बैंक ने अडानी ग्रुप में जो हिंडरबर्ग कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, उस इस टाइम पे इस बैंक ने अडानी के जो बॉन्ड्स थे उस बॉन्ड को लो रेटिंग दिया, और उन पे कहा कि हम इन पे सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई इट द बैंक इज अगेन इन न्यूज कि अडानी ग्रुप हैज सर्वाइव्ड द चैलेंजेस ऑफ जो उस पे एक्यूजेशंस थे कि वो शायद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है, एंड थिंक इज अदानी ग्रुप जो है वो रिवाइव कर रहा है, एंड इट इज गोइंग ऑन द नॉर्मल ट्रैक। तो क्रेडिट स्विस ने अदानी ग्रुप को लोन देने से मना कर दिया था, एक्सेप्टेंस नहीं था, एंड बट टुडे पीपल आर सेइंग दैट प्रोबेबली अदानी वुड हैव सपोर्टेड यू। खैर, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जो क्रेडिट स्विस बैंक है करंटली इट इज ट्रबल्ड, इट इज अ जायंट, और यहाँ पर क्रेडिट स्विस को सपोर्ट करने के लिए स्विस सेंट्रल बैंक ने कहा है कि हम 54 बिलियन का इसको पैकेज देंगे, and it will help to strengthen the liquidity of the banking system. Hamara pura jo global financial system hai, it has high degree of coupling and interconnection. Banking system ek dusre se linked hai, aur is wajah se ye problem further hai. If one banks get impacted, it will create problems for other bank, and mainly ek banking system pe jo faith hai wo impact hota hai, aur jab banking system pe faith impact hota hai to it is going to be problematic for everyone. हिंडनबर्ग क्लेम में क्रेडिट स्विस वाज द फर्स्ट, अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यूपीएससी प्रिलिम्स का सवाल पूछ सकता है, क्रेडिट स्विस वाज द फर्स्ट बैंक टू असाइन जीरो लेंडिंग वैल्यू टू अदानी ग्रुप बॉन्ड्स, यानी अदानी ग्रुप के जो बॉन्ड्स थे उनको लो रेटिंग दिया था, एंड इट ऑल्सो सपोर्टेड द हिंडनबर्ग रिपोर्ट, और इस वजह से इसको कहा जाता है कि एक इस वक्त एक मीम चल रहे हैं ट्विटर्स पे, एक माहौल चल रहा है कि भाई अदानी ग्रुप को उतना अच्छा रिस्पेक्ट नहीं दिया, एंड यू नो द जस्टिस इज कमिंग बैक। सऊदी नेशनल बैंक क्रेडिट स्विस का लार्जेस्ट स्पॉन्सर है, इन्होंने 10% इन्वेस्ट किया है, और इन्होंने कहा है कि भी अब इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, एंड शेयर्स बहुत तेजी से गिरे, क्वार्टर जो 4 लॉस था 1.5 बिलियन रहा, और स्टॉक प्राइस डिक्लाइंड ऑफ 97% ओवर 5 ईयर, 5 साल में 97% आपका स्टॉक प्राइस गिरा है, एंड क्रेडिट स्विस है 40% डिफॉल्ट चांस। ऐसा माना जाता है कि अगर इसको सपोर्ट नहीं मिलती है तो ये बैंक डिफॉल्ट हो जाएगा, और जैसा मैंने कहा किसी भी बैंकिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन फेथ एंड ट्रस्ट, अगर एक बैंक नीचे जाएगा दूसरा बैंक भी नीचे जाएगा। सेवरल ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड स्क्रैम्बल्ड ऑन वेडनेसडे टू प्रोटेक्ट द फाइनेंसिस फ्रॉम द पोटेंशियल रिपरकशन एज द स्टॉक एंड द बॉन्ड्स ऑफ क्रेडिट स्विस ग्रुप क्रैश अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग, ब्लूमबर्ग के कहने के हिसाब से ये जो है क्रैश किया है। तो अब आगे क्या है, ये हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुद्दा सब यही है, सब इंटरलिंक्ड है। फाइनेंशियल मार्केट अभी वल्नरेबल है, अनसर्टेनिटी है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, बॉन्ड मार्केट नीचे जा रहा है, एंड दैट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स, एंड मेनली जब डिपॉजिट्स विड्रॉ करते हैं तो प्रॉब्लम्स फर्दर होती है। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टॉक ड्रॉप एटमस एज 31% टू द हिस्टोरिक लो, अगर आप देखोगे तो ये जो है बहुत तेजी से स्टॉक प्राइसेस नीचे जा रहे हैं क्रेडिट स्विस के, एंड इट इज ऑन द लोअर साइड, एंड दिस इज अ चैलेंज, और इससे पहले भी ये प्रॉब्लम आई थी, बट इतनी नहीं बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। स्विस lender is under severe financial stress which hasn't witnessed since the large international bank since 2008 crisis. 2008 ka crisis bhi ek bada crisis tha international banking system ke liye, aur iska bahut strong exposure hamare
आईटी सेक्टर को पढ़ सकता है, बिकॉज क्रेडिट स्विस को जो हमारे इंडियन आईटी सेक्टर है वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। कमिंग टू द इफेक्ट ऑन इंडिया, सबसे जो पहला इफेक्ट मैं कह सकता हूँ वो ये है दैट अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो एक क्रेडिट स्विस इज वन ऑफ द फॉरेन बैंक और इंडिया में इसके एसेट बहुत कम है, जस्ट 20,700 करोड़, और इसके स्टॉक बहुत तेजी से गिरे हैं। इवन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो एसवीबी लाइक कोलैप्स गिवन इट ओनली होल्ड्स 0.1% ऑफ द एसेट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। पूरे भारत के बैंकिंग सिस्टम में 0.1% क्रेडिट स्विस का रेशियो है, विच मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट सो मच। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाई जेफरीज, द स्विस बैंकिंग जॉइंट इज एक्टिव इन द डेरिवेटिव मार्केट एंड फाइनेंसेस 60% एसेट वाया बोरोइंग एंड 96% ऑफ पीरियड ऑफ अप टू 2 मंथ्स। यानी इनकी जो डेरिवेटिव मार्केट है, डायरेक्ट मार्केट नहीं है, फाइनेंशियल मार्केट में भी डेरिवेटिव मार्केट में इनका जो एक्सपोजर है, एंड दैट इज वेयर द इम्पैक्ट वुड नॉट बी सो मच। भारत पे इम्पैक्ट बहुत पड़ने वाला नहीं है ऐसा मानना है। कमिंग टू सिलिकॉन वैली, नाउ सिलिकॉन वैली बैंक का भी सिमिलर था। सिलिकॉन वैली के प्राइसेस नीचे गए, लोगों ने विड्रॉ किया, पहले बैंक रन हुआ, बैंक जब रन हुआ तो बैंक के पास पैसा कम हो गया। जैसे मान लीजिए सडनली लोग बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं, बहुत सारे लोग जब बैंक से पैसा विड्रॉ करेंगे तो उसको हम बैंक रन कहते हैं। अब बैंक क्या करता है कि उस विड्रॉ को मेंटेन करने के लिए अपने असेट को बेचेगा, क्योंकि बैंक ने आप ही का पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है। अब वो जहां इन्वेस्ट किया है उसको बेच के रिकवरी करेगा अपने इन्वेस्टमेंट की और आपको पैसा देगा। यहां पर सिलिकॉन वैली बैंक ने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था, बट वो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लॉस में चले गए, और जब उसको बेचा तो लॉस में बेचा, एंड दैट लॉस दे वर नॉट एबल टू मेंटेन। उसके बाद उस बैंक ने अपने स्टॉक को बेचा कि स्टॉक को बेचते हैं और बेच के हम पैसा जनरेट करेंगे और फिर अपने डिपॉजिटर्स को वापस देंगे। लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम आई कि वो अपने डिपॉजिटर्स को पैसा वापस नहीं दे पाया, बिकॉज स्टॉक सेल जो है वो क्रैश कर गया और तब तक रेगुलेशन का के नजर में आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दैट ये सारे बैंक आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑन सिमिलर लाइंस। ये अलग बात है क्रेडिट स्विस के केस में, वहां के सेंट्रल बैंक ने साफ साफ कहा है कि उसको हम सपोर्ट करेंगे। खैर, तो ये सारा एक कहानी थी, सिलिकॉन वैली बैंक की कहानी हमने ऑलरेडी समझा था, और फेलियर के कॉजेज वही थे कि भाई इंटरेस्ट रेट जब कम थे तो उन्होंने इन्वेस्ट किया, जब इंटरेस्ट रेट नीचे गया तो इन्वेस्टमेंट डाउन। ओके, सो दैट इज हाउ इट कैन बी सेड। द मेजर रीजंस ऑफ कोलैप्स ऑफ बैंक्स आर टाइट मनी पॉलिसी ऑफ फेड रिजर्व, इकॉनमी तो अभी रिकवर नहीं हो पाया है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, और इकोनॉमिक सर्वे में भी इसकी बात का जिक्र किया गया है, यानी हमारे इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वाई आर इंडियन बैंक लेस वेलरेबल, हमारे बैंकिंग सिस्टम का पोर्टफोलियो स्ट्रांग है। हमारे जो डोमेस्टिक बैंक्स हैं उनका एक बहुत सारा डिपॉजिट जो है वो हाउस होल्ड सेविंग्स में है, और बहुत सारा डिपॉजिट जो है वो कॉरपोरेशन से आता है। इंडिया में बैंकिंग सिस्टम एक बहुत कंजर्वेटिव एंड ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो करता है, एंड आरबीआई का बहुत ज़्यादा इनका कंट्रोल है इन टर्म्स ऑफ द नॉर्म्स दैट दे हैव टू फॉलो। मेजोरिटी ऑफ डिपॉजिट्स इन इंडिया आर विद द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और यहाँ रेगुलेटरी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रहती है। एक बेसिक बिलीव है आपका पैसा बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, लोन्स आसानी से नहीं मिलते हैं, द बैंक सिस्टम इज मोर रोबस्ट। और हमारे कुछ बैंक जो है वो DSIB भी काउंट करते हैं। 3 हमारे भारत के ऐसे बैंक हैं जिसको डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कहा जाता है, SBI, ICICI एंड HDFC। तो इस तरह से रेगुलेशन और स्ट्रांग हो जाता है, एंड Basel III नॉर्म जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसके लिए बहुत हाई है। नॉर्मली RBI ने कहा है कि 9% जो है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए होगा और 12% फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए होगा, बट इट इज़ जो नॉर्म फॉलो किया जाता है वो काफ़ी हायर साइड पे फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी पूरी कहानी है, और स्टूडेंट जिनको इनरोल करना है हमारे GS फाउंडेशन प्रोग्राम में, GS ऑफलाइन ऑनलाइन हाइब्रिड कोर्स है, और ये आपका 1 ईयर प्रोग्राम 24, 22, 25 के लिए भी है, एंड यू कैन ज्वाइन आर टीम। इस टीम को, मेरे टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर एनी कोर्सेज, एनी हेल्प यू रिक्वायर, एंड दैट सपोर्ट वुड बी देयर। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं, रेगुलर क्लासेस, टेस्ट मटीरियल, आंसर राइटिंग, एंड मेरी टीम उसमें आपको हेल्प करेगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड बी रेडी फॉर द जनरल लर्निंग। यहाँ पर रहिए, अपने कमेंट्स सेक्शन में पुट करिए, एंड यू कैन ऑल्सो गिव द फीडबैक। वी कैन मेक सम मोर वीडियोज ऑन स्ट्रैटेजी एंड लर्निंग। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।